सभी एकदम रिलैक्स्ड होकर बैठे, शरीर एकदम कंफर्टेबल, मन बुद्धि एकाग्र, और संकल्प करें, मैं इस देह में विराजमान, इस देह का मालिक, चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। मैं आत्मा एकदम न्यारा हूं, डिटैच्ड हूं, मैं सत्य हूं, चैतन्य हूं, आनंद स्वरूप हूं, मैं प्रकाश पुंज हूं, देखे अपने आप को, वो प्रकाशमय सितारा भ्रुकुटी के मध्य में चमक रहा है। मैं मस्तक मणि हूं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, शीतल हूं, मुझ आत्मा से शीतलता का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। ये पूरा वायुमंडल एकदम शांत शीतल हो रहा है। महसूस करें अपने चारों ओर के वायुमंडल को परिवर्तन होते हुए। इस शांत शीतल वातावरण में मैं आत्मा अब अपने सत्य स्वरूप को देख रहा हूं। मैं विश्व रचता शिव पिता की श्रेष्ठ रचना हूं।
परमात्मा के साथ डायरेक्ट कनेक्शन रखने वाली मैं पूर्वज आत्मा हूं। मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष के जड़ में बैठ मैं तपस्वी आत्मा ब्रह्मा बाबा मम्मा तथा अन्य दादियों के साथ तपस्या कर रहा हूं। देखे अपने आप को कल्प वृक्ष के जड़ में। मैं तपस्वी मूरत आत्मा इस वृक्ष के बीज शिव पिता से डायरेक्ट कनेक्शन में हूं। मैं राज ऋषि हूं। परमात्मा से प्राप्त हुए हर गुण हर शक्ति के खजानों का मालिक हूं और उसके साथ बेहद का वैरागी भी हूं। मैं आत्मा इस कल्प वृक्ष के जड़ में अपने आप को देख रहा हूं। मैं इस वृक्ष का तना भी हूं। इसलिए मैं वृक्ष की हर छोटी मोटी टाल टालियों से वृक्ष के हर एक पत्ते से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन में हूं। जैसे वृक्ष के जड़ में डाला हुआ पानी वृक्ष के हर एक पत्ते को मिलता है, वैसे ही मुझ आत्मा का रचा हुआ हर एक संकल्प रूपी पानी इस सृष्टि रूपी झाड़ के हर एक पत्ते को हर एक मनुष्य आत्मा को जरूर मिलता है। मेरी हर एक सोच इस विश्व के हर एक आत्मा को मिल रही है। इसीलिए मैं पूर्वज आत्मा इस वृक्ष के हर एक पत्ते के पालना के लिए जिम्मेवार हूं।
इसीलिए अब कुछ ऐसे संकल्प करें जो विश्व की हर एक आत्मा तक पहुंचे। परमात्म बीज के साथ अपने आप को विजुलाइज करें और संकल्प करें परमात्मा द्वारा मिली हुई शांति की लाइट मैं वृक्ष के हर एक पत्ते को दे रहा हूं। मैं शांति का सितारा हूं। परमात्मा बीज से मुझे शांति की किरणें मिल रही है। और मेरे द्वारा वृक्ष के हर एक पत्ते तक ये शांति की किरणें पहुंच रही है। विश्व की हर एक आत्मा के मन को शांति का जल मिल रहा है। उनका मन शांत हो रहा है। मैं आत्मा बहुत खुश हूं और ये खुशी की लहर हर एक मनुष्य आत्मा तक पहुंचा रहा हूं। विश्व की हर एक आत्मा इस खुशी की लहर को कैच कर रही है। हर एक के मन हर्षित हो रहे हैं। सभी विश्व की आत्माएं अपना दुख दर्द भूल खुशी का अनुभव कर रही है। मैं देख सकता हूं मुझ पूर्वज आत्मा पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरा हर एक संकल्प विश्व की आत्माओं को परिवर्तन कर रहा है।
पूर्वज आत्मा शिव बाबा की डायरेक्ट पालना ले रहा हूं। मैं सभी धर्म की आत्माओं का भी निमित्त हूं, चाहे देह का कोई भी धर्म हो, लेकिन ये हर एक आत्मा मेरे अपने हैं, मेरे ही परिवार के हैं। तो अब प्यार के सागर शिव बाबा बीच से मैं कनेक्ट होता हूं, प्यार के सागर मुझ आत्मा पर निस्वार्थ प्यार की किरणें बरसा रहा है। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, मुझसे निकली हुई ये रूहानी प्रेम की किरणें विश्व के हर एक धर्म की आत्माओं को मिल रही है। विजुलाइज करें ये प्रेम रूपी जल वृक्ष की हर एक डाल डालियों को मिल रहा है। अनेक धर्मों को ये रूहानी प्रेम की किरणें मिल रही है। हर एक धर्म की हर एक आत्मा परमात्म प्रेम की किरणें पाकर अपने आप में रूहानी स्नेह का अनुभव कर रही है। मैं पूर्वज आत्मा इन धर्मों के पालना के भी निमित्त हूं।
हर धर्म की छोटी मोटी टाल टालियों को, उनके हर एक पत्ते को ईश्वरीय स्नेह का जल दे रहा हूं। ये सभी आत्माएं मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की वंशावली है। ये मेरा ही परिवार है। इसीलिए कोई भी धर्मों में भेदभाव नहीं है। ये सभी मेरे अपने हैं। इस श्रेष्ठ स्मृति से मैं हर एक आत्मा को ये ईश्वरीय प्रेम की किरणें दे रहा हूं और विजुलाइज कर रहा हूं। हर एक धर्म में रूहानी प्रेम फैल रहा है। हर एक का एक दूसरे के साथ व्यवहार प्रेम से संपन्न है। सभी आपस में भाई भाई की तरह रूहानी स्नेह से व्यवहार कर रहे हैं। मैं वृक्ष का जड़ तथा तना भी हूं, इसलिए चाहे कोई कैसा भी पत्ता हो तो भी मुझे उसकी पालना करनी है। अब मैं पूर्वज आत्मा बाप द्वारा मिली हुई सर्व शक्तियों की किरणें वृक्ष के हर एक पत्ते को मनुष्य सृष्टि की हर एक आत्मा को दे रहा हूं। संकल्प करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। यह शक्ति की वाइब्रेशंस हर एक मनुष्य आत्मा को मिल रही है। Thank you.
हर एक का मन शक्तिशाली हो रहा है। हर एक के मन से भय, तनाव, चिंता ऐसे अनेक मानसिक बीमारियां नष्ट हो रही है। एक मनुष्य आत्मा शक्तिशाली बन रही है। उनकी आंतरिक शक्तियां विकसित हो रही है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा विश्व की हर एक आत्माओं के अलौकिक पालना के निमित्त हूं। मैं पूर्वज हूं और पूज्य भी हूं। परमात्मा की डायरेक्ट पालना लेने वाली मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं। ड्रामा में मेरा बहुत विशेष पार्ट है और इसी पार्ट को स्मृति में रख अब मैं पूर्वज आत्मा एक सेकंड में अपना फरिश्ता रूप धारण कर लेता हूं और अपने सूक्ष्म लाइट के शरीर में ग्लोब के ऊपर विराजमान होता हूं। देखे अपने आप को, मैं फरिश्ता ग्लोब के ऊपर बैठा हूं। परमात्मा की सुख की किरणें मुझ फरिश्ते पर पड़ रही है। और मेरे द्वारा प्रकृति के पांचों तत्वों को ये सुख की किरणें मिल रही है। जल, वायु, अग्नि, आकाश और धरनी, ये पांचों ही तत्व इन सुख की किरणों का अनुभव
कर रहे हैं। प्रकृति के ये पांचों तत्व सुखी हो रहे हैं। मैं फरिश्ता देख रहा हूं, ये ईश्वरीय सुख की किरणें ग्लोब के चारों ओर फैल चुकी है। ये सारा विश्व प्रकृति के ये पांचों तत्व सुख का अनुभव कर रहे हैं। अब मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा ये सुख की किरणें अंतरिक्ष में सभी ग्रहों को नक्षत्रों को दे रहा हूं। मैं रचता हूं और ये सब मेरी रचना है। इसलिए मैं पूर्वज इन ग्रह नक्षत्रों के भी पालना के निमित्त हूं। ये सारा आभा मंडल सुख की किरणों से भरपूर हो रहा है। अंतरिक्ष में हर एक ग्रह नक्षत्र को ये सुख की किरणें मैं प्रदान कर रहा हूं। मैं फरिश्ता अब ग्लोब पर बैठे हुए हर एक ग्रह को प्रकृति के हर एक तत्व को दिल से धन्यवाद दे रहा हूं। विश्व की हर एक आत्मा का मैं पूर्वज हूं। उस हर एक आत्मा को भी मैं दिल से धन्यवाद दे रहा हूं। ये ग्रैटिट्यूड की वाइब्रेशंस विश्व के कोने कोने तक
पहुंच रही है। अब मैं फरिश्ता, मेरे सबसे प्यारे मीठे शिव बाबा का धन्यवाद कर रहा हूं कि इतने श्रेष्ठ कार्य के लिए उसने मुझे निमित्त बनाया है। सारे विश्व के परिवर्तन की जिम्मेवारी उसने मुझ पर डाली है। इसलिए उसका दिल से धन्यवाद है। ऐसी श्रेष्ठ जिम्मेवारी को स्मृति में रख, अब मैं फरिश्ता अपने साकार शरीर में लौट आता हूं। अब मुझे यह स्मृति है कि मैं विश्व की हर एक आत्मा का पूर्वज हूं। विश्व की हर एक आत्मा की पालना की जिम्मेवारी मुझ पर है। इसलिए मेरा हर एक संकल्प अब श्रेष्ठ है, शक्तिशाली है। तो आज सारा दिन मुझे अपने श्रेष्ठ स्थिति को कायम रखना है, क्योंकि मेरी श्रेष्ठ स्थिति ही विश्व में परिवर्तन ला सकती है। विश्व की आधार मूरत, उद्धार मूरत, श्रेष्ठ आत्मा हूं। शिव बाबा की डायरेक्ट पालना लेने वाली और विश्व की हर एक आत्मा की अलौकिक पालना करने वाली मैं पूर्वज हूं। ओम शांति।
शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से शांति की किरणों से शांति की किरणों से करुणा अब बरसानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से श्रेष्ठ कर्म का बीज शांति इसमें छिपा है सुख का सार। दिव्य गुणों की खान यही है शांति में है शिव का प्यार। तड़पती हुई हर एक आत्मा तड़पती हुई हर एक आत्मा प्यास सबकी बुझानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से शांति धाम अपने घर की शांति धाम अपने घर की राह सबको दिखानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से
शांति की चाह सभी की, मिल जाए शांति वरदान। जन्मों से जो भटक रहे हैं, देना उनको शांति दान। शांति सागर वरदाता की, शांति सागर वरदाता की, वाणी सबको सुनानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है, शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है, शांति की शक्ति से शांति की शक्ति से शांति की शक्ति से।